तो दोस्तों, अगर आपने टेस्ट वन चैप्टर फोर मैट्रिक्स में से जो हमारा डिटरमिनेंट्स है वहां से अगर आपने टेस्ट वन कर लिया है तो टेस्ट टू आप जरूर करिए। टेस्ट टू में जो हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स है उस टॉपिक में से मैंने यहाँ पर कुछ सम्स रखे हैं और ये मोस्टली 4 मार्क्स में ही आते हैं। अगर इसमें से कभी 1 मार्क्स से रिलेटेड पूछा गया तो डेफिनेटली ये ट्रेंड बनता है, जो मैंने यहाँ पर आपको फर्स्ट सम दिया है वो हमेशा आता ही है। मेरा हमेशा कहने का मतलब क्या होगा, देखिए ब्रदर, हमारा टारगेट ये होता है, हम एनालाइज इस तरह से करते हैं कि अब किस सम्स की प्रोबेबिलिटी बन रही है इस बार आने की। तो इस बार आने की प्रोबेबिलिटी जो अगर 1 मार्क्स में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से पूछा गया तो जैसा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है उस तरह से बनेगा, क्योंकि ये एक ऐसा समय जो हर 5 या 6 साल बाद ही कूदता है या आता है। तो देखिए, इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये बंदा 7-8 साल के अंदर अंदर एक बार आ जाता है, बट ये बंदा पीछे से रिपीट नहीं हो रहा है 2010 के बाद से। तो डेफिनेटली ये वाला जो सम है ये इस बार आपके एग्जाम में मिलेगा और भगवान की दुआ से मिलना चाहिए। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हमारे पास बाकी भी हमारी जो तैयारी है वो पूरी रहनी चाहिए। हमारे पास जो डिटर्मिनेंट्स है, आजकल ट्रेंड बन रहा है कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स है उसमें जैसे आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3rd को देखेंगे तो 3rd इस टाइप का आ रहा है अगर आपका पेपर हार्ड रहा। और अगर उन्होंने आप पर इस बार थोड़ी सी मेहरबानी दिखाई, अपने टेस्ट सीरीज को उन्होंने बोर्ड एग्जाम को इजी रखा, तो आपको ध्यान देना है सिर्फ 4.2 में जो आपकी एनसीईआरटी बुक में, एग्जाम्पल में, मिसलेनियस में, और मिसलेनियस के एग्जाम्पल में खास तौर से जहां पर वो ओमेगा वाला सम है वो जरूर करना है, और 4.2 के जो एग्जाम्पल है वो जरूर करने हैं, वहीं से वो सम अक्सर आ जाता है, 4 मार्क्स में आता है, प्रॉपर्टी जो डिटर्मिनेंट्स रहता है। ब्रदर, मैं यहाँ पर आपको रिपीट फिर से कराना चाहूंगा कि आप भले ही चैप्टर 11 पे अभी पहुंचे हैं या 12 पे पहुंच चुके हैं तो ऐसी टेंशन मत लीजिए और आप वहां आगे चलते जाइए, लेकिन रिवीजन चालू कर दीजिए, अदरवाइज आप बुरी तरह से फंस जाएंगे और जो टाइम है वो कब निकला है ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप टेस्ट सीरीज में अगर आपको लगता है कि आप बड़े बड़े भारी भारी मोटे मोटे जो सैंपल पेपर है उन्हें सोल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको और सब्जेक्ट को भी टाइम देना है, तो आप मेरे पे बिलीव कीजिए और अपनी एनसीईआरटी फुल एंड फाइनल कंप्लीट करिए। और जो मैंने यहाँ पे टेस्ट सीरीज बनाए हैं संडे संडे बैठ के, जो मैं टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपके लिए बना रहा हूँ, आप संडे बैठकर 6-7 टेस्ट निकाल लीजिए और अगले संडे को फिर 6-7 टेस्ट निकाल लीजिए, और इतना इनफ रहेगा आपके लिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अगर और कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।